हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मीज किचन में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं छोले की रेसिपी। तो मैंने छोलों को अच्छा सा बॉईल कर लिया था पहले ही, और ये हम बना प्याज कट कर लिया। आज हम छोले और प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये लहसुन की कलियाँ तो ज़रूरी होती है छोलों की सब्ज़ी में भी, तो लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और ये चला चढ़ा दिया हमने कढ़ाई, जिसके अंदर हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल यहाँ पर सरसों का है। तो देखिए फ्रेंड्स, सरसों का ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, और अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। तो फ्रेंड्स, आज हम गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो जीरा इसमें डालने से ये हमारा अच्छा चटक के तैयार हो चुका है। लहसुन की को हमने एक अच्छा सा दरदरा सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, तो ये भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब जो हमने प्याज कट किए थे मोटे मोटे पीसेज में, हमने प्याज को किए थे, तो प्याज को भी अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं इसके अंदर हम। ये देखिए, प्याज को भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई कर लिए हमने, और देखिए प्याज को भी हमने फ्राई कर लिया अच्छा सा इस तरीके से। हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, इसमें अब डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और हल्दी को डालते वक्त हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लेना है, ताकि हल्दी जले नहीं। अब जो हमने छोलों को अच्छा सा बॉईल किया था, वो छोले इसके अंदर डाल देंगे, और छोलों को भी अच्छा सा इसमें फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें बाकी का हमें जो इंडिकेटर है वो इस प्रकार से जो डालेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर डाल देते हैं सबसे पहले इसमें, हमने एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। नमक हम क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा आप। तो इसमें मैंने आधा टेबलस्पून डाला है, और लाल मिर्च एक चम्मच डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की सब्ज़ी में हम टमाटर और हरी मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाली प्याज और चने की सब्ज़ी ही बना रहे हैं। तो देखिए, इसको अच्छा सा मिक्स कर देते हैं। और थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए आप इसके अंदर चाहे थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी की नहीं बनाएंगे, थोड़ी ही ग्रेवी की बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए, इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे सूखे भी, ड्राई भी बना सकते हैं, क्योंकि बॉयल किए हुए तो पहले से ही हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि चने की कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी दिख रही है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, और पानी डाल के इसके उसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से और पक जाए मसाले के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की में शेयर कीजिएगा। तो देखिए, इसके ऊपर मैं अब ढक्कन लगा देती हूँ। थोड़ा सा ही पानी डाला है हमने, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बॉयल तो पहले से ही है ये। तो बस इसे मसाले में थोड़ा सा पकाना है हमें, ज़्यादा नहीं करना है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक और पका लेंगे। और उसके बाद में हम इसे बढ़िया सी, देखिए कितनी प्यारी हमारी ग्रेवी दिख रही है, सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब इसको देखिए, ढक्कन हटा के आपको दिखा रहे हैं, सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बस हमें इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज इस सब्ज़ी में हमें थोड़ा सा एक चेंज किया है मैंने, इसमें हम एक तड़का और लगाएंगे। तो जैसे कि हम चने की सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसके वक्त हम जब तड़का लगाते हैं तो उसमें हींग डालते हैं। तो आज मैंने हींग वैसे नहीं डाली है, हींग के लिए हम एक तड़का और तैयार करेंगे। तो ये हमने एक चमचा ले लिया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा घी ले लिया है। तो घी से जो हम तड़का लगाएंगे हींग डाल के, वो बहुत ही टेस्टी बनेगी उससे। और इसमें जो हमारी कसूरी मेथी आती है, वो मेथी डाल दी है, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, कसूरी मेथी इसके अंदर तैयार हो चुकी है, और अब इसको हम इसमें तड़के में डाल देंगे। और तड़का बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मस्त बना है हमारा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद में हमें देखिए कितनी प्यारी हमारी ग्रेवी, और कितने प्यारे हमारे छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। तो और ये डाल देते हैं लास्ट में हम मैगी मसाला, जो हमारा पास्ते वाला मैगी मसाला होता है, वो डाल देते हैं इसके अंदर, और बहुत अच्छी हमारी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया,
तो धनिया भी बहुत अच्छा होता है, इससे सब्जी में टेस्ट आ जाता है। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ लक्ष्मी किचन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इसको अलग बर्तन में सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अलग बर्तन में सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी कितनी मस्त है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस तरह की रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ। सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं होती इसमें, बिल्कुल ये सामान हमारे घर में ज़रूर अवेलेबल मिल ही जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आज ट्राई की हैं। तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।